सड़क हादसे में गई पूरे परिवार की जान, अकेले बच गया मासूम, एक घर के बुझे दो दो चिराग। शुक्रवार की सुबह नैनीताल में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जहां एक परिवार के दो चिरागों को बुझा दिया, वहीं एक पूरे परिवार ने भी इस हादसे में जान गंवाई। नैनीताल के ओखलाकांडा ब्लॉक के छीड़ा खान रीठा साहिब बूटर मार्ग से गुजरते वक्त एक कैंपर पिकअप अचानक से गहरी खाई की ओर लुढ़क पड़ा। चंद सेकंडों में ये कैंपर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस दौरान खाई में चीख पुकारे मच रही थी। गाड़ी में बच्चे और युवा मौजूद थे। बाइक को ठीक करवाने हल्द्वानी जा रहे दो भाई भी इस कैंपर में सवार थे, जो कि इस हादसे का शिकार हो गए और दोनों भाइयों की इस हादसे में मौत हो गई। मिली जानकारी मुताबिक कैंपर में 11 लोग मौजूद थे, जिनमें से 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बाकी दो घायलों का इलाज हल्द्वानी एसटीएच में किया जा रहा है। आपको बता दें कि तुलसी प्रसाद का पूरा परिवार इस गाड़ी में सवार था, जिनमें उनके 3 बेटे, पत्नी और वो खुद सवार थे। हादसे में उनके 2 बेटे, पत्नी और उनकी मौत हो गई। उनका एक बेटा घायल अवस्था में हल्द्वानी में भर्ती है। शायद अभी वो इस बात से अनजान है कि कल रात जिस परिवार के बीच बैठकर वो खाना खा रहा था, आज उस परिवार का एक सदस्य भी उनके साथ नहीं है। अब वो अकेला हो चुका है, क्योंकि उसका पूरा परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। अब ये उसकी बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कि वो इस हादसे से जिंदा बच निकला, लेकिन परिवार का कोई दूसरा सदस्य नहीं बच पाया। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मोटर मार्ग की स्थिति काफी खराब है। उस सड़क पर कई बार इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देती। इस हादसे में 2 अन्य भाइयों की भी मौत हुई है, जिस वजह से उनके घर में भी मातम पसरा हुआ है। गांव वालों समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शुक्रवार की सुबह हुए इस हादसे ने नैनीताल समेत पहाड़ की जनता को हिला कर रख दिया है। पहाड़ी सड़कों में हादसों की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। उस कड़ी में अब एक नया हादसा जुड़ चुका है। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हल्द्वानी के एसटीएच में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।